नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक। काफी सारे घरों में मैंने देखा है कि जब एलईडी टीवी लगाते हैं तो उसके पीछे भी एक लाइट लगा देते हैं, एलईडी स्ट्रिप होती है जो एक सिंगल कलर में ही ऑन रहती है। लेकिन आज मैं आपको जिस लाइट के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपका जो टीवी है उसके अंदर जो वीडियो प्ले हो रहा है उसी के हिसाब से चलेगी। इस लाइट को एम्बिएंट लाइट के नाम से भी जाना जाता है। फिलिप्स ने अपने 55 इंच के टीवी में ये टेक्नोलॉजी जो है लाई है। सिर्फ फिलिप्स के टीवी में ही आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका टीवी एंड्रॉइड है, 4K है, तो आप उस टीवी के अंदर एक छोटी सी सर्किट लगा के भी ये लाइट जो है वो आप इसी तरह कंट्रोल कर सकते हो। और आप चाहे तो अपने पूरे घर की लाइट जो है वो आपके टीवी के हिसाब से भी चला सकते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी की पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस एम्बिलाइट प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है टीवी के पीछे, कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करना है, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखना वीडियो को और पूरा देखना। तो इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले चाहिए हमें ये आर्डुइनो नैनो बोर्ड जो कुछ इस तरह दिखता है, और इसके साथ हमें ये USB केबल भी मिलता है। ये मिनी USB to USB केबल है जो इस बोर्ड के साथ ही आपको मिल जाएगा। ये एक तरह का माइक्रो कंट्रोलर ही है जो हमारी लाइट जो है वो इसी से कंट्रोल होगी। ये Amazon पे आपको मिल जाएगा, 400 रुपये इसकी प्राइस है, जिसके साथ हमें ये USB केबल भी मिलता है। मैंने इसे Amazon से ही परचेस किया है। इस बोर्ड में एक मिनी USB है तो हमें ये केबल का मिनी USB इसके अंदर कनेक्ट करना होगा। तो ये हमारा जो बोर्ड है वो USB के साथ कनेक्ट हो चुका है, और ये वाला जो USB है इसे हमें हमारे लैपटॉप के अंदर कनेक्ट करना होगा और लैपटॉप में से प्रोग्रामिंग करके इसके अंदर अपलोड करना होगा। बाद में हम इसे टीवी के साथ कनेक्ट करेंगे तो टीवी का जो USB है उसमें ये USB पिन हम लोग डालेंगे और उसमें से जो आउटपुट निकलेगा वो यहाँ से हमारी लाइट के अंदर चला जाएगा और हमारी लाइट जो है वो इससे कंट्रोल होगी। दूसरी चीज चाहिए वो है ये LED स्ट्रिप लाइट। ये LED स्ट्रिप लाइट जो है वो WS2812 है। ये मल्टी फंक्शन में ऑपरेट होती है, जैसे आप प्रोग्राम करते हो उसी तरह ये ऑन ऑफ होती है और किसी भी कलर में ऑन ऑफ होगी। वैसे ऑनलाइन ये काफी महंगी मिलेगी आपको, 600 या 500 रुपये पर मीटर इसका प्राइस है। मैंने इसे लोकल मार्केट से खरीदा है 350 रुपये पर मीटर के हिसाब से, और मेरा जो टीवी है वो 55 इंच का है और उसके अंदर 5 मीटर तक की ये लाइट जाएगी। तो मुझे टोटल 5 मीटर लाइट लेनी पड़ी 350 रुपये के प्राइस के हिसाब से। 1750 रुपये की ये लाइट जो है वो मुझे मिली है। और इस LED स्ट्रिप को चलाने के लिए चाहिए हमें एक पावर सप्लाई। तो ये पावर सप्लाई मैंने परचेस किया है बाहर से जो है 5 वोल्ट 20 एम्पियर का। इस LED लाइट के लिए ये पावर सप्लाई ही जरूरी है। 20 एम्पियर का तो चाहिए ही चाहिए, वैसे 18 एम्पियर का भी चलेगा लेकिन 18 एम्पियर का मिलता नहीं है, तो आप 20 एम्पियर का परचेस कर सकते हो। इसकी कीमत जो है वो 750 रुपया है। ऑनलाइन शायद महंगा हो सकता है इसलिए मैंने बाहर से लोकल स्टोर से ही खरीदा है। तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर। और इस LED स्ट्रिप को टीवी के पीछे लगाने के लिए ये डबल साइड गम वाली जो पत्ती होती है इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो ये भी खरीद लेना। और ऐसे ही कुछ छोटी मोटी चीजें चाहिए, एक जो सोल्डरिंग मशीन है, एक स्क्रू ड्राइवर है, कुछ वायर है, प्लग है। तो बस सिर्फ इतने ही कंपोनेंट की जरूरत है हमें, और बाकी का जो काम है वो हमें लैपटॉप पे करना होगा और थोड़ा सा काम जो है वो हमें टीवी पे भी करना होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इस बोर्ड के अंदर हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो अपलोड करके आपको दिखाता हूँ, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे लैपटॉप के पास। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी येल्लो कलर की। ये अभी स्टेबल है येल्लो कलर की क्योंकि इसमें मैंने पहले से ही प्रोग्रामिंग करके रखी हुई है। अगर इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है तो ये रेड और ग्रीन जलती रहेगी। अब हमें जाना है PC के ऊपर, यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी के अंदर जाना है, और यहाँ पे हम जाएंगे डिवाइस मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे पोर्ट्स लिखे हैं। तो हमारा ये USB सीरियल CH340 जो लिखा है वो हमारा ये सर्किट बोर्ड ही है। तो उसके बाजू में लिखा है COM6, तो ये COM जो है, ये पोर्ट जो है हमें याद रखना है कि COM6 के अंदर ये कनेक्टेड है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हमें एक सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा हमारे लैपटॉप के अंदर।
जो है Arduino Nano का सॉफ्टवेयर। गूगल में आप सर्च करोगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, पहले ही एक वेबसाइट आ जाएगी, उसे हमें ओपन करना होगा। तो वेबसाइट के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी जहाँ पे लिखा है डाउनलोड Arduino IDE, और यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन है विंडो के लिए। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कुछ डॉलर लिखे गए लेकिन इस पर आपको क्लिक करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करके इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमारी फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है तो मैं ये प्रोसेस जो है यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अब हमें ओपन करना है ये एंड्रॉयड एम्बीलाइट एप्लीकेशन की वेबसाइट। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहाँ से हमें इंस्टॉल करना होगा टीवी के अंदर। फिलहाल हमें लैपटॉप के ऊपर इसकी वेबसाइट ओपन करनी है। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर सेटअप। तो इन्होंने हार्डवेयर सेटअप पूरा दिखाया है, वैसे ही हमें पूरा सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो दिखाया है वही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे इसको सेटअप करना है। लेकिन हम यहाँ पे जाएंगे सीधा नीचे की तरफ ये सॉफ्टवेयर पार्ट के अंदर। तो इन्होंने यहाँ पे पहले बोला है कि डाउनलोड एंड इंस्टॉल Arduino IDE, जो हमने पहले से ही मैंने आपको अभी बताया, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना। बाद में हमें ये एक और चीज़ डाउनलोड करने को बोलेगा और ये है फास्ट LED। देखिए यहाँ पे फास्ट LED है, इस पर हमें क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फाइल आपको दिखाई देगी, यहाँ पे पहली जो अपडेट की गई है 3 फरवरी को, और इसका जो नंबर है वो 3.3.3 है। तो यहाँ पे ये दो जो फाइल है उसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। मैंने पहले से डाउनलोड की है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, लेकिन आपको इसे दोनों को डाउनलोड करके रखना होगा। फिर हम बैक जाते हैं। अब यहाँ पे फास्ट LED तो हमने डाउनलोड कर ली। अब नीचे इसका एक प्रोग्राम है, जो इस तरह का ये प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम की फाइल हमें डाउनलोड करनी होगी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे ये AAA.ino नाम की एक फाइल है, इसे हमें डाउनलोड करना होगा। तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो यहाँ पे तीन चीज़ जो है वो पहले डाउनलोड करनी होगी, Arduino Uno IDE जिसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, और ये फास्ट LED और ये AAA.ino, ये तीन चीज़ें हमें डाउनलोड करके रखनी होगी। तो Arduino IDE सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो शायद हमें मिलेगा यहाँ पे माई PC के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाओगे तो शायद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर गया है, माई PC के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, ये इंस्टॉल हुआ है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे Arduino मेरा इंस्टॉल हुआ है। तो हमने जो वो प्रोग्राम डाउनलोड किया था AAA वाला, वो zip फाइल है, तो उसे ओपन करके हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। और जो फास्ट LED है उसको भी हमें इसी लाइब्रेरी के अंदर, देखिए यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो ये दो काम आपको पहले करने होंगे। ये काम हो जाने के बाद हमें ओपन करना होगा हमारा Arduino IDE। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। उसके अंदर हमें सबसे पहले जाना होगा टूल्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारा बोर्ड जो है वो हमें सिलेक्ट करना होगा। तो Arduino Nano बोर्ड है तो ये पहले से सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, तो हमें यही सिलेक्ट करना होगा। टूल्स के नीचे यहाँ पे प्रोसेसर है उसको हमें सिलेक्ट करना होगा। शायद आपका जो है पहले ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ओल्ड बूट लोडर वाला जो ऑप्शन है दूसरा, उसे मैं सिलेक्ट करूँगा ताकि इसमें कोई एरर ना आए। और हमारा ये जो पोर्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करेंगे तो हमें हमारा पोर्ट जो है वो दिखाई देगा। तो COM6 वाला पोर्ट था तो इसे हमें सिलेक्ट करना होगा, तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फाइल में जाना होगा और यहाँ पे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद हमारा जो ये AAA वाला प्रोग्राम है जो हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है,
आर्डुइनो के अंदर, तो यहाँ पे जाके ये ट्रिपल ए पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोग्राम है इस पे हमें क्लिक करना होगा। तो ये एक और विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज करना है तो यहाँ पे एलईडी जो है वो कितनी इस्तेमाल करते हैं। मैंने 5 मीटर के अंदर टोटल 300 एलईडी है, तो यहाँ पे मैंने 300 एलईडी लिख दी है अपने आप। ये बाय डिफ़ॉल्ट 100 होगी, तो यहाँ पे हमें 300 कर देना है। बस यही एक चेंजेस हमें करना होगा प्रोग्राम के अंदर, बाकी हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। और ये वाला जो ऑप्शन है दूसरा, जो टीर वाला ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपलोड आ गया है। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये प्रोग्राम जो है पूरा का पूरा वो हमारे बोर्ड के अंदर अपने आप जो है अपलोड हो जाएगा। अभी मैं अपलोड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने इसमें पहले से अपलोड करके रखा हुआ है। और यहाँ पे नीचे की तरफ ये ब्लू बॉक्स के अंदर लिख के आ जाएगा कि अपलोड कंप्लीट, इसका मतलब कि आपका अपलोड जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आपको इतना ही करना है लैपटॉप के अंदर। प्रोग्राम इस बोर्ड के अंदर अपलोड हो जाने के बाद हमें इसे लैपटॉप में से यूएसबी को हमें निकाल देना होगा। तो दोस्तों प्रोग्राम जो है इस बोर्ड के अंदर अपलोड हो चुका है, लेकिन इसमें से इस बोर्ड में से जो आउटपुट हमें मिलेगी वो यहाँ पे D6 करके एक पिन है उसमें से हमारी आउटपुट मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये एक पिन है, ये पिन मैं इसको पीछे की तरफ से डालूँगा कुछ इस तरह। तो यहाँ पे अब मुझे जो आउटपुट मिलेगा ये ग्रीन कलर का जो वायर है, ये ग्रीन कलर के वायर में से हमें इस बोर्ड की जो आउटपुट है वो मिलेगी। तो अभी मैं इसे साइड में रखता हूँ। और यहाँ पे जो ये लाइट है एलईडी स्ट्रिप लाइट, इसके अंदर भी एक ग्रीन कलर की वायर है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमें आउटपुट देना होगा, तो वो जो ग्रीन वायर था हमारे बोर्ड का, उस बोर्ड के वायर को मैं इस ग्रीन कलर के वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और जो दो वायर है यहाँ पे रेड कलर का, वो फेज का है और ये न्यूट्रल का है, ये पॉजिटिव है और ये वाइट कलर का जो है वो नेगेटिव है। तो ये दो वायर जो है वो मैं इसका जो पावर सप्लाई है उसके अंदर मैं डालूंगा। तो चलिए वो कनेक्शन पहले मैं कर लेता हूँ। इस बोर्ड के अंदर से हमें एक ग्राउंड वायर भी लेना होगा, तो यहाँ पे एक ग्राउंड वायर का पिन दिया गया है, उसको भी मैं इस पिन से कनेक्ट करके ये वाइट कलर का जो वायर है उसे मैं ग्राउंड में ले लूँगा। तो ये वायर जो है अभी ये ग्राउंड हो चुका है। और यहाँ पे जो ये एलईडी स्ट्रिप का जो वाइट कलर का वायर है वो भी ग्राउंड और न्यूट्रल ही है, तो हमें इसके साथ इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये कनेक्शन जो है कुछ इस तरह से हुए हैं। अब इसमें से सिर्फ ये दो वायर ही बचे हैं, एक इसमें से ये वाला रेड वाला पॉजिटिव है और ये वाइट वाला नेगेटिव है, इसे हमें इस पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होगा। तो चलिए अब इसे कनेक्ट करते हैं। तो पावर सप्लाई के अंदर जो हमारा मेन लाइन है ये प्लग वाला, वो मुझे पहले डालना होगा। तो ये पहले जो दो पिन है उसके अंदर हमारी मेन लाइन जो है वो कनेक्ट होगी, तो मैं उसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वायर जाएगा हमारा मेन प्लग के अंदर। अब यहाँ पे ये तीसरा जो पिन है वो अर्थिंग का है, इसका मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन और टोटल 4 आउटपुट दिए गए हैं, तो ये 2 जो है वो नेगेटिव है और बाकी के 2 जो है वो पॉजिटिव है। तो लाइट का जो हमारा एक वायर है वो मैं इस नेगेटिव में एक डालूँगा और ये एक छोड़ के ये दूसरा पॉजिटिव है उसमें मैं डालूँगा। तो हमारी ये जो लाइट है इसका जो ये नेगेटिव वायर ये वाला वाइट वाला है, तो उसे मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ और इसे मैं फिट कर देता हूँ। इसका जो एक पॉजिटिव है वो मुझे इस पॉजिटिव टर्मिनल में डालना होगा। अगर कोई और लाइट है तो आप इस 2 टर्मिनल में आप डाल सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। तो सिर्फ मैंने अपनी ये लाइट और ये जो बोर्ड है उसको मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा सेटअप है वो तैयार हो चुका है।
अब हमें करना ये है, इसको हमें मेन प्लग के अंदर डालना होगा और ये बोर जो है हमारे टीवी के यूएसबी के अंदर सीधा डाल देना होगा और फिर हमारी जो ये लाइट है वो काम करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन उससे पहले हमें टीवी के अंदर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और उसमें भी कुछ सेटिंग करने होंगे और ये लाइट जो है वो टीवी पे चिपकाने की होगी। तो मैं इस टैप की हेल्प से इस लाइट को मैं अभी टीवी के पीछे चिपकाने वाला हूँ, तो चलिए वो काम कर लेते हैं, बाद में जो है हम ये पूरी सिस्टम जो है वो ऑन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरी टीवी के साइड कॉर्नर पे एलईडी स्ट्रिप जो है वो चिपका दी है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। पीछे से आप देखोगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी लेकिन टीवी के आगे से ये क्लॉकवाइज दिखेगी। इस साइड पे जो टोटल एलईडी है वो 43 है और ऊपर की साइड में जो है वो 74 एलईडी आई है। उस हिसाब से हमें इस साइड में भी 43 एलईडीज रखनी है और नीचे की तरफ भी हमें 74 एलईडी रखनी है, मतलब ऊपर जितनी एलईडी होगी उतनी ही नीचे रखनी है और साइड में दोनों साइड में सेम जैसी एलईडी आपको रखनी होगी। तो फाइनली टीवी को मैंने फिर से वॉल माउंट कर दिया है और जो मैंने आपको पहले कनेक्शन बताए थे सर्किट के वो मैंने यहाँ पर टेम्पररी फिट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे की तरफ एलईडी भी लगाई है और यहाँ पे मेरा पावर सप्लाई है और जो हमारा आर्डुइनो बोर्ड है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे अभी मैंने इसे टेम्पररी फिट किया हुआ है, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं इसे परमानेंट बाद में इसे फिट कर दूँगा। तो चलिए अभी हम करते हैं इसका टेस्ट, इसे ऑन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली ऑन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हुई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट ऑन नहीं हो रही है क्योंकि इसके अंदर एक और एप्लीकेशन होती है जिसे हमें डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एप्लीकेशन है एंड्रॉयड एमबी लाइट एप्लीकेशन, एंड्रॉयड के लिए होती है ये, आपको डाउनलोड करना होगा आपके टीवी के अंदर। ये पेबल एप्लीकेशन है, इसके 220 रुपये आपको पे करने होंगे इस एप्लीकेशन के लिए। मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो वो प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूं कि इसके अंदर कौन से सेटिंग करने हैं। तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक मैसेज शो करेगा कि हमारा टीवी का यूएसबी जो है वो यहाँ पे एलो करेगा एक्सेस करने के लिए, तो हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना होगा। तो देखिए हमारी एलईडी स्ट्रिप जो है वो कनेक्टेड हो चुकी है टीवी के साथ और यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक सिंगल कलर मोड, तो हम अगर सिंगल कलर मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक कलर जो है उस पर ये पीछे की जो बैक लाइट है वो ऑन होगी। अगर आपको कलर के अंदर इफेक्ट मोड चाहिए तो आप दूसरा मोड जो है वो इफेक्ट मोड है, यहाँ पे जो लाइट है वो अलग अलग तरीके से जलेगी। तो इस साइड पे देखो पहले ब्लू कलर की जली हुई है और उस साइड जो है वो कुछ ग्रीन कलर की है, तो ऐसे पूरी पीछे की तरफ जो लाइट ऑन होगी वो अलग अलग तरीके से होगी। लेकिन हमें यहाँ पर करना है स्क्रीन कैप्चरिंग मोड, तो उस पर हम जाके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन कैप्चरिंग मोड ऑन हो चुका है। अब इस टीवी के अंदर जो भी कंटेंट चलेगा, जो भी वीडियो चलेगा, उस हिसाब से लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ सेटिंग्स है, हम लोग पहले सेटिंग में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से सेटिंग आपको करने होंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके कुछ सेटिंग्स है, लाइट लगाने के बाद आपको ये सेटिंग्स करने हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो LED जो है, मैंने आपको बताया था कि ऊपर की तरफ की LED जो है वो 74 है, तो आपको यहाँ पे 74 लिखना है, और साइड में जो LED है वो 43 है, तो यहाँ पे मैंने 43 को सेट किया हुआ है। और नीचे LED का जो बॉटम गैप है वो आपको करना है, मैंने यहाँ पे गैप नहीं रखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 आएगा। और यहाँ पे देखिए LED स्ट्रिप की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे CW का मतलब है क्लॉकवाइज, तो मैंने इसको क्लॉकवाइज रखा हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट LED ऑफसेट यहाँ पे 43 किया हुआ है, क्योंकि मेरी लास्ट LED जो है वो 43 है, तो यहाँ पे हमें 43 रखना होगा। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो, तो यहाँ से हमारी LED स्टार्ट होती है, ये पहली LED है, और जैसे ऊपर जाएगी तो 43 नंबर वाली LED आपको यहाँ पे दिखाई देगी, बाद में ऊपर से 44 नंबर की LED स्टार्ट होगी, यहाँ पे 117 नंबर की LED का एंड होगा, और 118 LED का स्टार्ट होगा यहाँ पे। तो ये सारे सेटिंग्स आपको करने हैं, बाकी के सेटिंग्स जो है एज इट इज़ रहने देने हैं, इसके अंदर आपको कोई भी तरह का चेंज नहीं करना है। तो चलिए अभी इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये स्क्रीन के अंदर जो भी वीडियो चलता है उस हिसाब से LED लाइट स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। मैं यहाँ पे अभी अपने घर की लाइट्स जो है वो ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए इसकी इफ़ेक्ट जो है वो अभी आपको दिखाई दे रही होगी, नीचे की तरह जो लाल कलर की स्क्रीन, तो नीचे लाल कलर की लाइट है, यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट है, और यहाँ पे पूरा ब्लैक है, तो ब्लैक कलर की लाइट तो होती नहीं है, तो ये लाइट जो है वो ऑफ रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले इसका कलर टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो भी कलर है वही कलर पीछे की तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप कलर देख रहे हो इससे हमें पता चलता है कि हमारी लाइट जो है वो परफेक्ट काम कर रही है। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है, क्योंकि जिस तरह की अंदर से लाइट हो रही है उसी तरफ बाहर की तरफ की लाइट जो है वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा MB लाइट का प्रोजेक्ट जो मैंने अपने VU TV के साथ मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा क्योंकि पूरी प्रोसेस जो थी वो मुझे ठीक से समझाना था, ताकि ये आप भी अपने आप घर पे ये कर पाए। तो कैसी लगी ये एम्बियंट लाइट मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना, और इसकी कुछ लिमिटेशन है जो है ये सिर्फ Android TV के साथ ही काम करेगा। अगर आप इसके टाटा स्काई पे कोई चैनल आप देखते हो तो उस पर यह वर्क नहीं करेगा। एंड्रॉइड पे आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन देखोगे तो उसके साथ ही ये वर्क करेगा, जैसे नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब वीडियोस है, या फिर हॉटस्टार पे वीडियो है, जो भी वो देखोगे ऑनलाइन उसी के साथ ये वर्क करेगा। टाटा स्काई या फिर आप USB में अपना पेन ड्राइव डाल के अगर कोई मूवी देखते हो तो ये वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो मुझे कॉमेंट में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।